अब लव हो गया लगता है जितना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हो गया। आपकी स्किन काफी ग्लो कर रही है, इसका क्या राज? आप बताएं, पैसों के बगैर जिंदगी है? वो उल्लू के पट्टे सिर्फ ही मुझे आपको देखते हैं। बीवियों को वक्तन फवक्तन शॉपिंग पे लेके जाएं और यही रोना है बस। सबका ओवरऑल गर्ल्स का। एक बहुत प्यारी सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मिस? महविश। महविश क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हैं। कितने टाइम से? 12 ईयर। 12 साल से माशाल्लाह। जितना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल हो गया। हस्बैंड की एक अच्छाई बताएं, एक बुराई बताएं जल्दी जल्दी। अच्छाई केयरिंग है बहुत ज्यादा, और बुराई मॉल में ही लाते तो भाई के साथ आना पड़ा। अच्छा, ये आपके भाई है? हाँ जी भाई है मेरे। तो अपने हस्बैंड को क्या मैसेज देना चाहिए? भाई लाया करें, सारी जिम्मेदारी भाई की थोड़ी है। भाई की शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ हुए हैं। माशाल्लाह जी, सही हो गया। क्योंकि फिर भाभी अक्सर कहती है नहीं हमें भी तो लेके जाओ। नहीं, भाभी गई हुई है घर पर, तो फिर मैंने कहा भाई के साथ चले जाते हैं। सही हो गया। आपकी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है, इसका क्या राज है? सनब्लॉक। ये सईद गनी का सनब्लॉक कौन से वाला? जो है एक ही है उनका। एक ही है उनका, अच्छा है बहुत ज़्यादा। और मैं तो ऐसे वो चमक रही है, कुछ लोग समझेंगे शायद पसीना आ रहा है, कुछ लोग कहते क्योंकि एसी ऑन नहीं है, एसी चलते हैं बस थोड़ा सा स्लो। अच्छा, वो ज्यादा, हाँ मेरा ख्याल गैदरिंग की वजह से। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या स्टडी किया था, शादी किस उम्र में हो गई? 18 ईयर्स में। इतनी जल्दी क्यों? रिश्ता अच्छा था तो हो गई। फैमिली के अंदर या आउट ऑफ फैमिली? नहीं, आउट ऑफ फैमिली। क्या चीज़ घर वालों ने देखी कि हाँ कर दी? घर वालों ने देखा था, अच्छा था, लड़का भी अच्छा था और माशाल्लाह इनकम अच्छी थी तो हो कर दिया। पाकिस्तान में ज़्यादातर इनकम क्यों देखी जाती है, लाख से भी ज़्यादा इनकम क्यों देखी जाती है? आप बताएं, पैसों के बगैर ज़िंदगी है? नहीं है ना, तो बस फिर यही बात है। लोग फिर जब अमीरों के साथ शादी कर लेते हैं तो वो फिर रोते रहते हैं। रोते रहते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। अच्छा। लड़कियाँ स्पेशली नहीं रोती। और हस्बैंड अगर अल्लाह ना करे, लेकिन अगर उसने कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? पॉसिबल नहीं है। कैसे? मुझसे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार है उन्हें, तो वो नहीं करेंगे। अगर वो बस कह देते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा उनके साथ? अगर वो कह देते हैं फिर क्या कहें? फिर हम कहते हैं कर ले। ऐसे नहीं कहेंगी, वो कहेंगी बेटा मैं जा रही हूँ, मैं कर लो। फिर क्या कहें? जब उन्होंने कह दिया तो फिर कह देंगे कर लो। हाँ, स्वीट है। थैंक यू। आप भी? थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे इंटरव्यूज देखती हैं आप? डेली। कितना टाइम? 5 मिनट? नहीं, पूरा प्रॉपर प्रॉपर देखती हूँ टाइम निकाल के। अच्छा, कौन से इंटरव्यू ज़्यादा अच्छे लगते हैं? पठानों के साथ वाले, लड़कियों के साथ वाले, पंजाबियों के साथ वाले? जो फ़नी होते हैं, फ़नी होते हैं, जिसपे कोई जो है जो देखी जाए, आपने कहना सामने देखो वो वाले। अब आप बात करिए ना, आप मुझे भी देख रही हैं और सामने भी देख रही हैं, वो उल्लू के पट्टे सिर्फ ही मुझे आपको देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, ऐसे ही है। कैमरामैन का दिल कर रहा था यूँ पकड़ के उनको कहे कि भाई सामने देखो, ऐसे ही, ऐसी बात है, ऐसे ही। सुनाएंगे आप हमें? कुछ भी नहीं। लास्ट में मूवी कौन सी देखी? इंडियन पाकिस्तानी है? नहीं, देवदास। देवदास का कोई डायलॉग सुना दे। देवदास का डायलॉग तो मुझे नहीं आता। भी पारो था, ये पता नहीं क्या पारो, बस नेम ही पता है, बस डायलॉग नहीं पता मुझे। डायलॉग बताए ना भाई। भाई भाई को खुद नहीं पता होगा, वो मेरी वीडियो बना के हमने इतने प्यार से नाम लिया, मुझे तो वो याद आ गई, रूपा वाली मूवी। रूपा वाली भाई, सही भाई, भाई वो वाला भाई है, वो मेले वाला। सही भी वैसे ही, ऐसे ही, ऐसे भाई मेले। बदलते तो नहीं शादियों के बाद? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा बेटा है भाई। नहीं, ऐसे ही। घर में आप बड़ी है? मैं बड़ी हूँ माशाल्लाह, मेरे ख्याल 10 ईयर बड़ी हूँ उनसे। डांटती भी आप? मारती भी हूँ। रिकॉर्ड शादी के बाद भी मार पड़ी? हाँ, बेटा है ना मेरा। हाँ जी। अपने बच्चे कितने? दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। सही है। शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या टिप देना चाहेंगे सारे कपल्स? जी, बीवियों को वक्तन फवक्तन शॉपिंग पे लेके जाएं, और यही रोना है बस। सबका ओवरऑल गर्ल्स का। और जी, कोई आउटिंग वगैरह करवा दिया करें, नॉर्थन एरियाज ले जाया करें, बस यही। और क्या, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच।